स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल डू यू नो डैट पर। आज मैं आपको ऐसे मजेदार फैक्ट बताऊंगा जिसे जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या आप जानते हैं गूगल की फुल फॉर्म क्या है, और क्या आप ये भी जानते हैं सबसे पहले ATM कब और क्यों बनाया गया था, और क्या आप ये जानते हैं एक स्पेस सूट की कीमत 80 करोड़ होती है, उसमें ऐसा क्या है। ये सभी फैक्ट जानने के लिए प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारी वीडियो के आज के पहले फैक्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों गूगल जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है, ये ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी है। दरअसल दोस्तों गूगल एक हर छोटी सी छोटी चीज पे भी ध्यान देती है। दोस्तों क्या आपको पता है गूगल में आज भी घास मशीन से नहीं काटी जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गूगल का ऐसा मानना है कि घास की मशीन की आवाज की वजह से वहाँ के एम्प्लॉयज का डिस्टर्बेंस ज्यादा बढ़ेगा और वो काम सही से नहीं कर पाएंगे। इस वजह से गूगल की कंपनी में आज भी तकरीबन 200 से 300 बकरियां पाली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और दोस्तों क्या आप ये भी जानते हैं गूगल की फुल फॉर्म क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों गूगल की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, जिसका हिंदी मतलब अगर आपको मैं बताऊँ तो इसका हिंदी मतलब है पृथ्वी की अनुमुख समूह भाषा का वैश्विक संगठन। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब हम आज की वीडियो के दूसरे फैक्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर 18 साल बाद हमें राष्ट्रगान सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आप जानते हैं नेशनल एंथम की सबसे पहले शुरुआत किस देश ने की थी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जापान ने सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत की थी। लेकिन जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि आप जानते हैं ग्रीस एक ऐसा देश है जिसका सबसे बड़ा नेशनल एंथम है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस का सबसे बड़ा नेशनल एंथम है। और युगांडा एक ऐसा देश है जिसका सबसे छोटा नेशनल एंथम है। लेकिन साइप्रस एक ऐसा देश है जिसका कोई भी नेशनल एंथम ही नहीं होता है। और भारत देश के नेशनल एंथम की बात करें तो ये तो एक ऐसा नेशनल एंथम है जिसे सुनकर सोया हुआ मन भी जाग जाता है। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब हम आज की वीडियो के तीसरे फैक्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं ATM को कब और क्यों बनाया गया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब दरअसल एक बार जॉन सेफर्ड बैरोन बैंक से पैसे निकालने गए तो उन्हें थोड़ा लेट हो गया था, और जब वो बैंक से पैसे निकालने गए तो तब तक बैंक बंद हो चुका था। तभी जॉन सेफर्ड बैरोन ने सोचा कि कोई ऐसी मशीन बनाया जाए जिससे 2400 घंटे पैसे निकाले जा सके। इसी वजह से जॉन सेफर्ड बैरोन ने 27 जून 1967 को यानी कि 27 जून 1967 को ATM का आविष्कार किया। और जब से ही ATM से हम कभी भी पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ATM में पहले 6 डिजिट का पिन लगाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, ATM में पहले 6 डिजिट का पिन लगाया जाता था जिसे अब 4 डिजिट में बदल दिया है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया गया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जॉन सेफर्ड बैरोन की पत्नी की याददाश्त कम थी और उन्हें 6 डिजिट का पिन याद नहीं होता था। इसी वजह से जॉन सेफर्ड बैरोन ने बाद में इसे चेंज करके 4 डिजिट पिन वाला ATM बनाया। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब हम आज की वीडियो के चौथे और आखिरी फैक्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों स्पेस सूट को तो आपने सभी ने फोटो या फिर कभी कोई पिक्चर में तो देखा ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस सूट इतना भारी होता है कि इसे पहनने के बाद चलना भी मुश्किल हो जाता है। क्या आप जानते हैं इसमें ऐसा क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों स्पेस सूट में ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी और भी कई सुविधाएं होती हैं और कई मशीनें लगी होती हैं जिसकी वजह से इतना भारी बन जाता है। और आपको क्या पता है स्पेस सूट को बनाने में कितने रुपए लगते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक स्पेस सूट को बनाने में लगभग 80 करोड़ रुपए लगते हैं। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और नए वीडियो अपडेट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।